टीवी की मशहूर एक्ट्रेस बरखा बिष्ट और उनके पति इंद्रनील सेनगुप्ता की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक्ट्रेस बरखा ने पति इंद्रनील सेनगुप्ता से साल 2008 में शादी रचाई थी, लेकिन शादी के 15 साल बाद दोनों तलाक ले रहे हैं। एक्ट्रेस बरखा ने खुद अपनी तलाक होने की न्यूज को कंफर्म किया है और साथ में बताया है कि वो पिछले 2 साल से अपने पति इंद्रनील से अलग रह रहे हैं। एक्ट्रेस ने खुद कहा कि हाँ, हमारा तलाक जल्द ही होगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। लेकिन एक्ट्रेस ने अपने तलाक का कारण नहीं बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी प्रायोरिटी अब सिर्फ उनकी बेटी और उनका काम है। बरखा और इंद्रनील की बात करें तो दोनों ने साल 2006 में टीवी शो प्यार के दो नाम, एक राधा और एक श्याम के सेट पर मिले थे। शो के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर 2 साल बाद साल 2008 में कपल ने शादी रचाकर एक दूजे का हाथ थामा था। कपल की 11 साल की बेटी भी है, जिनका नाम है मायरा। बरखा अक्सर अपनी बेटी के साथ प्यारी सी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती है। इसी बीच आपको बता दें कि जब से बरखा और इंद्रनील की डिवोर्स की न्यूज सामने आई है, तब से ही एक न्यूज फैली हुई है जो कि बंगाली एक्ट्रेस ईशा शाह से जुड़ी है। खबरें ये है कि बंगाली एक्ट्रेस ईशा शाह और इंद्रनील सेनगुप्ता की नजदीकियों की वजह से ही बरखा और इंद्रनील की शादीशुदा जिंदगी खत्म हो गई। फिलहाल टीवी के मशहूर कपल बरखा बिष्ट और इंद्रनील सेनगुप्ता के अलग होने की खबर ने उनके फैंस को निराश कर दिया है। कपल के करीबी भी इस खबर से दुखी है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।